पहले जनता पानी के लिए परेशान थी और आज बारिश के बाद वाटर लॉगिंग से परेशान हो गई। मेरे साथ मौजूद है दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बिजेंद्र सचदेवा जी। सर, पहले पानी के लिए परेशान, अब पानी होने के बाद परेशान। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार ने पहले सभी दिल्ली वासियों को एक एक बूंद के लिए रुलाया और आज 10 से 12 मिनट की पहली बारिश ने उनके इन दावों की पोल खोल दी कि हमने नालों की सफाई करा दी है। नालों की सफाई के नाम पर फिर भ्रष्टाचार किया गया है। दिल्ली में 700 छोटे बड़े नाले हैं, हमारी जानकारी के हिसाब से 150 से ज़्यादा नालों पर काम नहीं हुआ, बाकी नाले ऐसे कैसे गाज से भरे हुए हैं। कल तक पानी नहीं मिलने के लिए हरियाणा को दोष देते थे, लेकिन नालों की सफाई तो आपने करनी थी, उसमें तो हरियाणा ने नहीं आना था, उसका कोई जवाब नहीं इनके पास। समर एक्शन प्लान पे काम नहीं कर, दिल्ली प्यासी मर रही थी। अब मानसून एक्शन प्लान पे 3 दिन पहले एक फोटो अप किया उस राजनीतिक नौटंकी जिसे अनशन कह रहे हैं, वहाँ चारों पांचों मंत्री बैठ गए कि हम चिंतित हैं। आपकी चिंता से नहीं, नीचे ज़मीन पे काम करने से काम ठीक होगा। और आज दिल्ली ने जो हाल देखा है वाटर लॉगिंग का, दिल्ली वालों के लिए आने वाले दिन बहुत कठिन होंगे, क्योंकि इसे दिल्ली सरकार के भरोसे तो दिल्ली चल नहीं सकती। सर, जल सत्याग्रह तो अब खत्म हो गया, अब दिल्ली की जनता को पानी कैसे मिलेगी? देखिए, दिल्ली की जनता को मैं फिर कह रहा हूँ, दिल्ली के पास हरियाणा से सरप्लस पानी आ रहा है। दिल्ली को सिर्फ पानी की चोरी रोकनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार को कालाबाजारी रोकनी है, और वो टैंकर माफिया जो पानी लूटने का काम कर रहे उनको रोक ले और पानी की लीकेज रोक ले, तो दिल्ली के पास सफिशियंट पानी है। मैं आपके माध्यम से उनसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपके पास पानी नहीं है तो ज़्यादा पैसे देकर टैंकर कैसे आ जाता है? अगर आपके पास पानी नहीं है तो बाजारों में 20-20 लीटर के जार पानी के उपलब्ध कैसे हो जाते हैं, इसका जवाब दे दें। सर, एक लास्ट सवाल है कि जो लगातार स्थिति जो बनी हुई है, पानी पीने की बात कर रहे हैं और बारिश के बाद, पहली बारिश के बाद ये हालत है, तो बीजेपी इसमें क्या करने वाली है? देखिए, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं, मेरे कहने का दिल्ली जल बोर्ड आम आदमी पार्टी की सरकार, PWD जिसने नालों की सफाई करनी है वो आम आदमी पार्टी के पास, नगर निगम जिसने नालों की सफाई करनी है वो आम आदमी पार्टी के पास। तो जब दिल्ली की जनता ने उन्हें शासन दिया तो उनको काम करना है, और वो अगर अपने काम में विफल हो रहे हैं तो उनको उनके काम के लिए याद दिलाना और उनके भ्रष्टाचार की जो बार बार चोरी करने की आदत है उसके बारे में जनता को बताना, ये हमारा कर्तव्य है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात कर लेते। हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बिजेंद्र सचदेवा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ दिल्ली में जो सिर्फ नाटक होता है, पहले पानी पीने के लिए लोग परेशान थे, अब बारिश के बाद वाटर लॉगिंग से परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पे लगातार बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आए। अभिषेक नैन, ABP लाइव, दिल्ली।